गुड मॉर्निंग बच्चों बच्चों, हमारा पाठ चल रहा है पाठ दो, जैसा सवाल वैसा जवाब। आज हम इसके न्यू वर्ड्स देखेंगे। ये मैंने कुछ न्यू वर्ड्स लिखे हैं। इनमें सबसे पहला वर्ड है बुद्धि। बुद्धि में दामे धा जुड़ा हुआ है और उसके ऊपर छोटी की मात्रा है, तो उसको पढ़ेंगे बुद्धि। नेक्स्ट है अभिमान। अगला वर्ड है नकार खाने। उसका अगला वर्ड है मूर्ख। मूर्ख का मतलब होता है बेवकूफ़, जिसको अक्ल ना हो, जो होशियार ना हो, उसको मूर्ख कहते हैं। अगला वर्ड है विश्वास। इसमें श आधा है इसलिए आधा ही पढ़ेंगे इसको, विश्वास। नेक्स्ट वर्ड है संतोषजनक। संतोषजनक वो काम होता है जिसको करके या जिसको करवा के हमको संतुष्टि होती है, यानी हमारा काम संतोषजनक हो गया, अब मैं खुश हूँ। नेक्स्ट वर्ड है अक्ल बहादुर। अक्ल बहादुर मतलब जो शरीर से तो बहादुर हो या ना हो, लेकिन अक्ल से बहादुर हो। और बच्चों इसमें क आधा है तो आप इसको अक्ल पढ़ेंगे, अकल नहीं पढ़ेंगे, अक्ल। तो हमारा वर्ड है अक्ल बहादुर। बीरबल के लिए आया है ये शब्द, ख्वाजा ने प्रयोग किया कि उस अक्ल बहादुर की पता चल जाएगा वो कितना होशियार है। नेक्स्ट वर्ड है अनुरोध। अनुरोध करने का मतलब होता है किसी से रिक्वेस्ट करना किसी काम को करने के लिए। जैसे मुझे अपनी बहन को लेके बाहर जाना है, बाज़ार जाना है, मैं चाहती हूँ वो मेरे साथ चले, तो मैं उससे अनुरोध करूँगी, रिक्वेस्ट करूँगी कि वो मेरे साथ चले, तो इस सेंस में आता है अनुरोध वर्ड। नेक्स्ट वर्ड है जहाँ पनाह। बादशाह के लिए आया है अकबर के लिए जहाँ पनाह वर्ड। ख्वाजा, ख्वाजा वो मंत्री थे, इसमें ख बच्चों आधा है तो इसको ख्वाजा नहीं पढ़ेंगे, इसको ख्वाजा पढ़ेंगे, ख को फटाफट बोलेंगे ख्वाजा। नेक्स्ट वर्ड है संतुष्ट। संतुष्ट मतलब खुश, संतुष्ट प्रसन्न, या किसी काम से सेटिस्फाई हो जाना कि चलो ठीक है ये, जैसे संतोषजनक वर्ड है उसी तरह से ये भी है। लास्ट वर्ड है संदेह। संदेह मतलब इंग्लिश में संदेह को डाउट कहते हैं। डाउट जब हम किसी काम में हमें कोई शंका होती है, शक होता है, वो संदेह होता है। बच्चों इसका होमवर्क है, इन शब्दों को कॉपी में लिखेंगे, नंबर वन काम है। नंबर दो, बोल बोल कर इनका उच्चारण अभ्यास करेंगे, बोलने की प्रैक्टिस करेंगे और इनकी स्पेलिंग भी श्रुतलेख के लिए, डिक्टेशन के लिए याद करेंगे। थैंक यू बच्चों, आपका दिन शुभ हो।